गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनीता यादव फ्रॉम राष्ट्रीय स्कूल। बच्चों, हम फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल हमने इसकी हाफ एक्सरसाइज की थी, आज हम इसे आगे की करेंगे। ठीक है, देखिए, कैन यू सी ऑल दीज थिंग्स इन द पिक्चर्स? पुट द वर्ड्स अंडर द करेक्ट पिक्चर्स, ऑल द वर्ड्स आर नाउंस। ठीक है, यहाँ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको इस पिक्चर में जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ लिखनी है, और इस पिक्चर में जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, यहाँ है ए डॉग, तो डॉग इसमें है तो यहाँ लिखा है ए डॉग। ठीक है, उसके बाद है ए हट, हट ये रही आपकी, तो यहाँ लिख देंगे ए हट। ठीक है, ऐसे ही आपको इनको देखना है और इनमें से आपको चूज़ करके यहाँ लिखना है आपको, बस। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेकंड है आपका बिगेंस ईच सेंटेंस विद आई। आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, इनको हमें आई से स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा हेल्प योर पेरेंट्स, ठीक है, इसको कैसे लिखा, आई हेल्प माई पेरेंट्स। आई के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, यूअर का क्या बन जाएगा, माई। ठीक है, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, माई, आई हेल्प माई पेरेंट्स। जैसे सेकंड है लव यूअर पेरेंट्स, तो आई लव माई पेरेंट्स। ओबे यूअर पेरेंट्स, आई ओबे माई पेरेंट्स। सर्व यूअर पेरेंट्स, आई सर्व माई पेरेंट्स। रिस्पेक्ट यूअर पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, आपको ये इसमें क्या भरना है, नेमिंग वर्ड्स भरने हैं। माई ब्रदर्स नेम इज़, यहाँ आप अपने ब्रदर के नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है डैश इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। द डैश इज़ इन दिल्ली, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। द डैश फ्लोज इन टू द वे ऑफ बंगाल, द गंगा फ्लोज इन टू द वे ऑफ बंगाल। ए स्नैक बिट माई डॉग ऑन माई ओन फुट। नेक्स्ट संडे आई शैल विजिट माई फ्रेंड। जून इज ए वेरी हॉट मंथ। आई सॉ मैनी शिप्स ऑन द सी कोस्ट। हरियाणा इज ए फेमस फॉर द मिल्क एंड कर्ड। द हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये आपके मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये भी आपके जनरल नॉलेज के ही हैं। लुक फॉर स्मॉलर वर्ड्स इन साइड द बिगर वर्ड्स। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्मॉलर वर्ड इज गिवन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए, आपके यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ठीक है, यू वेजिटेबल, यू पुट आवर चेयर इन फ्रंट ऑफ दिस। इसी में से आपको चूज करके लिखना। देखिए, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में से क्या निकल जाएगा, टेबल। वो क्या कह रहा है, यू पुट आवर चेयर इन फ्रंट ऑफ दिस, यानी कि उसके सामने चेयर डाली जाती है। किसके सामने, टेबल के सामने, तो क्या लिख देंगे, टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्ट। ठीक है, इट गोज फास्ट ऑन द रोड्स, यानी कि रोड पे कैसे चलती है, फास्ट। तो कार्ट में से हमारा क्या निकल जाएगा, कार, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कार। ठीक है, नंबर थ्री पे है टोमेटो, यू स्प्रेड इट ऑन द फ्लोर टू सिट और स्लीप ऑन इट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे आप फ्लोर पे बिछाते हैं और उसको उसके ऊपर बैठते हैं या सोते हैं, तो टोमेटो में से क्या निकल जाएगा, मैट। मैट मीन्स क्या होता है, चटाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्पिनच, इट हर्ट्स इफ़ यू पोक समवन विद इट, यानी कि आप उससे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, पिन। क्या हो जाएगा, पिन। उसके बाद है पोटैटो, यू कैन पुट इट ऑन द फायर एंड बॉइल वाटर इन इट, यानी कि यू कैन पुट इट ऑन द फायर, किसके ऊपर रखते हैं, फायर,
ठीक है, एंड बॉइल वाटर इन इट, और गर्म पानी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोट, पोटैटो में से क्या निकल जाएगा, पोट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। यू हैव वन एट द एंड ऑफ यूअर लेग, यानी कि आपके पैरों के अंत में, लास्ट में क्या आता है, फुट, तो फुटबॉल में से क्या आ जाएगा, फुट। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमारी नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, आंसर द क्वेश्चंस विद नेमिंग वर्ड्स हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। देखिए फर्स्ट है हमारा, आई हैव फोर लेग्स एंड ए बैक, आई कैन नॉट वॉक, यानी कि मेरी चार टांगे हैं और एक पीछे, यानी कि कमर बोलते हैं या पीछे बोल सकते हैं, बैक है मेरी, आई कैन नॉट वॉक, लेकिन मैं चल नहीं सकता, क्या हो जाएगा, चेयर, चेयर की चार टांगे होती है और उसकी बैक भी होती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है, आई हैव वन आई, यानी कि मेरी एक आँख है, आई कैन नॉट सी, लेकिन मैं देख नहीं सकती, क्या हो जाएगा, नीडल, सुई। ठीक है, नंबर थ्री है, आई हैव विंग्स, आई कैन फ्लाई, मेरे पंख है, मैं उड़ता हूँ, आई एम नॉट ए बर्ड, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ता है। नंबर फोर, आई हैव शार्प टीथ, यानी कि मेरे बहुत तेज़ दांत है, आई डोंट बाइट, लेकिन मैं काटता नहीं, आई कट वुड, लेकिन मैं लकड़ी काटता हूँ। फ्रेटसा, फ्रेटसा क्या होता है, आरा या आरी होती है ना, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। नंबर फाइव, आई हैव ए राउंड फेस एंड टू हैंड्स, आई डोंट टॉक, यानी कि मेरा राउंड फेस है, गोल, और मेरे दो हाथ हैं, आई डोंट टॉक, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, क्या हो जाएगा, वॉच। देखिए वॉच होती है ना ऐसे। ठीक है, ये आपके बस जनरल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किए गए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।